टीवीएस की ओर से जुपिटर के बाद सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर पसंद की जाने वाली और बिकने वाली स्कूटी ये रहती है टीवीएस की एंटॉर्क। और इसमें जो है आप ये नया जो है डार्क ब्लैक कलर देख रहे हैं, और ब्लैक कलर को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो इस ब्लैक कलर को कुछ अलग ही जो है यहाँ पर कह सकते हैं टीवीएस ने इसमें जो है कलर करके जो है निकाला है। अब अलग क्यों किया अभी मैं आपको जो है बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले ये जो है आपका रेस एक्सपी, जो इसका एक्सपी मॉडल आता है ना एंटॉर्क का, जिसमें थोड़ी सी आपकी जो है पावर आपको ज़्यादा मिलती है, उसमें ये दिया गया है आपका जो है। उसमें आपका रेस रेड भी आपका कलर दे रखा है, और उसके अलावा आप जो है ये डार्क ब्लैक भी ले सकते हैं। अब ये ब्लैक खास क्यों है थोड़ा सा लग रहा होगा ना आपको, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले कलर की ही बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए आपके जो है ना साइडों के पैनल ये मैट ब्लैक में दे रखे हैं, और जो बीच वाले जो यहाँ पर जो है पैनल है ना ये आपके जो है ग्लॉस ब्लैक में दे रखे हैं। तो मैट और ग्लॉस ब्लैक दोनों कलर का काफ़ी अच्छा खासा जो है कॉम्बो बना के इसमें जो है यहाँ पर ये कलर दिया है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा पसंद आएगा। अभी स्टिकर पे ये जो है पूरी पन्नी अन्नी लगी, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे स्कूटी जस्ट उतरी है, तो ये तो नहीं उतारूंगा मैं, लेकिन तब भी कलर आपको जो है डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए ये फ्रंट वाइज़र है, यहाँ पर ये मैट है, ये मैट है, ये बीच में ग्लॉस ब्लैक दे रखा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी ये साइड वाले पैनल ब्लैक मैट में है, तो ये बीच में ग्लॉस में दे रखा है। फ्रंट मडगार्ड भी जो है ब्लैक मैट में साइड में, तो यहाँ पे बीच में ग्लॉस में दे दिया है, जो कि अच्छा लग रहा है। साइड से भी आप देखेंगे तो साइड से आपको ये सारे जो पैनल हैं ये भी ग्लॉस ब्लैक में दे रखे हैं जो है दे रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लैक मैट में दे दी गई हैं। और इसके बाद जैसे आप आते हैं तो ये भी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी आपका जो है ग्लॉस फिनिश में दे रखा है ब्लैक में, और साइड के ये सारे जो है ब्लैक मैट रहते हैं। तो ब्लैक मैट और ग्लॉस का जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा जो है कॉम्बो बना के इस वाले जो है एक्सपी में दिया है। तो अब इसकी एक्सशोरूम क्या है, एक्सशोरूम की बात करूँ तो लगभग इसकी एक्सशोरूम जो है 99,000 रुपये रहती है, और उत्तराखंड जो है रुद्रपुर से हैं, तो यहाँ पे क्योंकि एक्सशोरूम के बाद ऑन रोड प्राइस हर जगह जो है वेरी करती है, तो यहाँ से आप जो है पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, सबसे पहले एक्सशोरूम बता दी मैंने, अब फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट आपका जो है यहाँ पे इंडियन फ्लैग, जो कि इंडियन कंपनी है टीवीएस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट एक्स कनेक्ट के फीचर्स, जो कि फ़ोन से पेयर करके ब्लूटूथ से आप जो है कॉल, एसएमएस, बहुत सारी चीज़ें इसके मीटर में देख सकते हैं, वो भी इसमें चीज़ रहेगी। और इसके जो है यहाँ पर ब्रेक जो यहाँ पर आपके जो है यहाँ जो है लीवर्स हैं ये पूरे ब्लैक देखने को मिलते हैं, और जो हैंडल आपका जो यहाँ पर है इस तरीके से ये साइड से जो है ग्रे टच इसमें दिया गया, जो कि अच्छे रहते हैं हैंडल बार एंड में। और इसके बाद यहाँ पर जैसी आप फ्रंट लाइट जो है यहाँ पर दे आप जो है फ्रंट इग्निशन ऑन करेंगे, तो सबसे पहले इंडिकेटर देखिए ये आपके हेलोजन में है, और हैजार्ड लाइट का जो है स्विच है अलग से दे रखा है, तो ये अच्छा कर रखा है। टीवीएस का आपको जो है यहाँ पर इस आपका जो है लिखा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे आप जो है यहाँ पर आते हैं तो ये पूरी जो स्कूटी है वैसे फाइबर में रहती है, तो फाइबर में रहेगा, कहीं भी आपको जो है यहाँ पर मेटल वाला पार्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इससे क्या रहता है, ज़्यादा वेट नहीं रहता इसका, जिससे कि थोड़ा सा माइलेज भी आपको इम्प्रूव देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर स्टिकर्स जो है यहाँ पर थोड़े से ग्रे कलर में यूज कर रखे हैं, इतना कलर ही जो है यहाँ पर नहीं बनाने की कोशिश करी गई है, तो कलरफुल ज़्यादा स्टिकर ना यूज करके ग्रे इसी के साथ मैचिंग वाले इसमें आपको जो स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि फ्रंट में यहाँ पर हैं, इस वाले पैनल पे हैं, आपको यहाँ मिलेंगे, और थोड़े से पीछे दे रखे हैं, अभी बात करेंगे पीछे जब जाएंगे। फ्रंट में ये जो DRLs है ये पूरी आपको जो है LED में दे दी जाती है। फ्रंट की जो है यहाँ पर हेडलैम्प ये आपको जो है पूरी LED में आपको जो है देखने को मिलेगी, जो कि कुछ ऐसी है लोअर हाई पे वाला जो है आपका जलना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा जो है लाइटिंग सेटअप इसका रहता है। अब इसके बाद जैसे आप आते हैं तो फ्रंट में आपको वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और जो यहाँ पे डिस्क मिल जाती है कुछ इस तरीके से पेटल डिस्क, और टायर जो है TVS का है 180 12 इंच का, फ्रंट में 12 इंच का है, और जो रिम है ये पूरा जो है रेड में दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है इसके साथ में ब्लैक के साथ में, रेड के रिम का कॉम्बो बहुत अच्छा आपको जो यहाँ पर लग जाएगा। और अब जरा पीछे चलते हैं और यहाँ पे देखिए फ्रंट टायर में भी आपका जो है रियर में मडगार्ड दे रखा है, जिससे कि यहाँ पर कीचड़ ज़्यादा जो है उछल के जो है नहीं आए। इसके बाद जैसे आप साइड में आते हैं तो साइड प्रोफाइल जो है कुछ ऐसी रहती है एंटॉर्क की। सबसे पहले एक चीज़ जो इसमें मेरे को थोड़ा सा जो है यहाँ पर लगता है कि और अच्छी हो सकती थी, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं फ्लोर बोर्ड में जगह, क्योंकि ये स्कूटर जो सेगमेंट है ना, ये स्कूटी इसको ज़्यादातर लोग घर में भी बहुत सारे काम के लिए यूज करते हैं, तो सिलेंडर यहाँ पे नहीं आ पाता, तो एंटॉर्क में ज़रा यही दिक्कत लगती है। बाकी जो है अगर मैं बात करूँ 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये आपको
आपको 118 जो है केजी का वेट दी जाती है और सीट हाइट लगभग 770 एमएम की है। तो आजकल तो सारे बच्चे बच्चे सब कुछ चलाते हैं, लेकिन जब तक आपका लाइसेंस ना बन जाए तब तक मैं रिकमेंड करता हूँ जो है यहाँ पर टू व्हीलर ना चलाएं। और अब साइड से अगर बात करें, यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर हुक्स मिल जाएंगे कुछ टांग के लाने के लिए, बाजार से यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपके जो है इनर पैनल आपको काफ़ी अच्छा स्टाइलिश कट क्रीजेस सा बना हुआ देखने को मिलेगा, कार्बन फाइबर टेक्सचर थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो सीट है, सीट भी आप देख रहे हैं रेड जो है स्टिचिंग के साथ में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे लगती है, पूरी जो है ब्लैक में। और इसके बाद यहाँ पर फुट पैडल्स कुछ ऐसे जो है सिल्वर कलर में आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर यहाँ बात करूँ स्विचेस की, स्विचेस आप देख रहे हैं ये जो है इसका जो है ब्रेक का हो गया, ये इसका इंडिकेटर का, ये इसका हाई बीम लो बीम, ये इसका पूरा मीटर कंसोल, ये जो है वही आइडल स्टार्ट स्टॉप जो कि आप कहेंगे, और ये हज़ार लाइट का स्विच, और बाकी ये सेल्फ का है, इसी में वॉइस का आपके जो है मोड, ये सारे कुछ इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो मीटर है यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपका जो है ट्रिप, यहाँ आपका जो है टाइम का, यहाँ किलोमीटर, यहाँ आपके जो है टोटल स्पीड जो है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर टेम्परेचर का, यहाँ पे फ्यूल लेवल का, और बाकी पेयर करेंगे जो है यहाँ पे तो आपको कई सारे फीचर्स इसमें जैसे कि फ़ोन किस ये आ रहा है, ये सारी कुछ चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये फ़ीचर्स रहता है इसके जो है यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट में, कई सारे फ़ीचर्स हैं वैसे तो। बाकी रेस एक्स भी आपको जो है स्टीकर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद चाबी, चाबी आप देखेंगे कुछ ऐसी है, और एक और यहाँ पर अब एंटॉर्क काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर पुरानी हो चुकी है, यहाँ पे टीवीएस की ओर से मतलब बहुत सालों से बिक रही है। तो एक ये चाबी निकाल के यहाँ से जो सीट खोलते हैं ना, ये वाली चीज़ भी जो है सीधे यहीं लॉक में अगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी सबसे पहले यहाँ पे देखिए बूट, अंडर सीट स्टोरेज, एक बड़ा हेलमेट बड़े साइज़ वाला तो इसमें आ सकता है आराम से, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जगह कम आपको देखने को मिलेगी। हाफ फेस हेलमेट के साथ जगह काफ़ी अच्छी खासी जो है बचती इसमें रहती है। बाकी जो है यूएसबी पोर्ट यहाँ पर दे रखा है, कुछ चार्ज वार्ज करना चाहें यहाँ पर रख लेंगे। बाकी जो है ओबीडी पोर्ट, ये जो है यहाँ पे टेक्नीशियन अपना स्कैनर लगा के इसे फॉल्ट वॉल्ट चेक करेगा जब इसमें कभी कभार फॉल्ट आता है। और बाकी इसके बाद जो है फ्यूल लिड यहाँ से खुलता है, लगभग 5.8 लीटर का, 5.5 लीटर से ऊपर का जो है इसमें पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी आपको जो है देखने को मिल जाएगी। अब रियर में आते हैं जैसी जैसी, तो सबसे पहले रियर प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ देखो किक भी मिलती है इसमें, ऐसा नहीं है कि किक गायब है, तो किक भी आपको मिलेगी। और ये जो है आपका पूरा ब्लैक में रहता है ये वाला पार्ट, जो कि आप ये देखेंगे पूरा क्लच वाला पार्ट रहता है यहाँ पर। और इंजन की बात करूँ वही 124.8 सीसी का 3 वॉल्व वाला इंजन है, तो आपको जो पावर है इस एक्सपी वाले वेरियंट में 10.2 पीएस की आपको मिलने वाली है, और 10.9 एनएम का जो इसमें टॉर्क मिलेगा। तो नॉर्मल वाले में लगभग जो है आपका पावर जो है 9.25 जो है बीएचपी की मिलती है, इसमें लगभग जो है आपको पावर 10.06 बीएचपी की मिलेगी, तो थोड़ी सी पावर बड़ी भी रहती है, जो कि शायद आपको थोड़ा बहुत चलाने में भी पता लगे, बहुत ज़्यादा तो पता नहीं लगेगा, लेकिन तब भी आप थोड़ा बहुत आप जो इसे अगर एक्सपी लेते हैं तो आपको पता लग सकता है। बाकी पीछे जो है 110/80 12 इंच का जो है टायर प्रोफाइल मिलती है, रेड कलर का वही रिम है, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा आपको जो है रियर में टायर रहता है कुछ ऐसे जो है पैटर्न के साथ में। रियर में टेल लैंप आप देख रहे हैं कुछ ऐसी है, हेलोजन में ही इंडिकेटर है, और ये जो है काफ़ी अच्छे खासे जो है यहाँ पर डमी टाइप के हैं, लेकिन अलग जो है यहाँ पर जो है एक लुक जो है इनसे, इस वाले ऐसे फिन से जो है आपका जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी रिफ्लेक्टर भी प्रॉपर आपको जो है इसमें यूज़ देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज़ एक बार इसे जो है स्टार्ट करके दिखाऊं साउंड, तो ये देखिए साउंड थोड़ा बेसी सी साउंड आती है, काफ़ी अच्छी साउंड आती है। बाकी एंटॉर्क यहाँ पे 125 थोड़ा सा रेड डिटेलिंग के साथ में आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और बाकी एक और फीचर, साइड स्टैंड अगर लगा होता है या साइड स्टैंड स्टार्ट गाड़ी में ही लग जाता है तो कुछ ऐसे जो है यहाँ पर ये बंद हो जाती है, तो साइड स्टैंड आपका जो है किल इंजन जो है किल स्विच आपका जो है ये चीज़ जिसमें आपको जो है देखने को मिलेगा, सेंसर लगा हुआ रहता है इसमें, तो ये सेफ्टी भी आपको प्रॉपर इसमें देखने को मिलेगी। तो ये था इसका जो है डार्क ब्लैक कलर, जो कि आप एंटॉर्क रेस एक्सपी में ले सकते हैं। बाकी जो है टीवीएस की ओर से 125 सीसी सेगमेंट में अच्छा खासा जो है सेल होती है, और थोड़ा सा आपको पहाड़ों के लिए अगर आपको चाहिए कोई स्कूटर तो आप जो है इसे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, एक बार चला के जो है ज़रूर देखें। और साथ ही साथ पावर, साथ ही साथ जो है आपको जो है एक अच्छा खासा माइलेज भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, 45-50 के आसपास आराम से जो है इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाता है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो,
टीवीएस सेंटोर के जो है डार्क ब्लैक कलर के बारे में, एक्सपी में जो आ रहा है, और मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।